नमस्कार, क्राइम 24 तास में उसमें आपका स्वागत है। मैं सदफ, आइए देखते हैं आज की खबर। बिहार में चुनावी रंजिश के चलते 17 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व विदर्भ के भंडारा, गोंदिया और चंद्रपुर एवं गढ़चिरौली जिले के किसानों को 700 रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। रंकापा नेता राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि इस बोनस के रूप में किसानों को लगभग 1400 करोड़ की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि हर राज्य में अलग अलग स्थिति है और महाविकास अघाड़ी केवल महाराष्ट्र राज्य के लिए है। हालांकि शिवसेना और रंकापा की भूमिका बिहार में अलग है, लेकिन इसका महाराष्ट्र सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आणि मागच्या वर्षी पूर्णपणे जे पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले, बोनसची रक्कम सुद्धा जवळपास सगळ्या शेतकऱ्यांना मागच्या वर्षी देण्यात आलेली आहे। यंदा सुद्धा आमची मागणी माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि शासनाच्या सर्व प्रतिनिधींच्या समोर मी या विषयावर परत मांडली होती। आणि मला आनंद या बाबतीत आहे की मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रींनी यंदा सुद्धा बोनस आपण देऊ असं मला स्वच्छ सांगितलं। आणि आनंदाची बाब ही आहे की मागच्या वर्षी एवढा करोनामुळे शासनावर आर्थिक बोजा आल्या पडल्यानंतरही शासनाने भंडारा, गोंदिया जिल्ह्याच्या आणि पूर्व विदर्भाच्या सर्व धान पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना पैसे दिले। यंदा जवळपास 1400 कोटी रुपये हे बोनसची रक्कम होणार आहे, अंदाजी आता जे आहे। आज की खबर में बस इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए क्राइम 24 तास न्यूज़ के साथ। नमस्कार।